प्राथमिक शाला खापा में पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सुचारू रूप से नहीं मिल रहा मध्याह्न भोजन। सेल्समैन कृष्ण कुमार उइके की मनमानी के चलते। बता दें, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के जनपद शिक्षा केंद्र लखनादौन क्षेत्र आदेगांव अंतर्गत आने वाला प्राथमिक शाला खापा में पढ़ने लिखने वाले बच्चों को नहीं मिल रहा सुचारू रूप से मध्याह्न भोजन। जबकि हकीकत यह है कि सरकार द्वारा शासकीय स्कूलों में पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए मेन्यू अनुसार भोजन मिलने की व्यवस्था की गई है, लेकिन प्राथमिक शाला खापा में पढ़ने लिखने वाले बच्चों को उनके हक का अनाज सेल्समैन कृष्ण कुमार उइके द्वारा खाकर डकार लिया जा रहा है, जिस कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे छुट्टी पर घर आने जाने पर टिफिन ले जाने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं बल्कि बच्चों के अभिभावकों द्वारा यह भी बताया गया कि गांव में लाइट बंद होने के कारण भी रात्रि में पढ़ने लिखने को बच्चे तरस रहे हैं। क्या नाम आपका? शिव कुमार। क्या समस्या आप लोगों को? हमारे यहाँ बिजली की बहुत समस्या, एक महीना करीबन हो गई लाइट बंद है। खराब हो गई बदल की गरजने से। खराब बदल की गरजने से खराब। आप लोग क्या चाहते हैं? कितने दिनों से अंधकार में रह रहे हैं? महीना करीबन बिजली की बहुत समस्या है हमारे यहाँ, क्योंकि रात में लाइट नहीं है। लाइट ना होने की वजह से हमारे बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हमको भी बहुत समस्या है, क्योंकि लाइट आ जाए रात पे, सर पे आ जाए, किसी को काट दे तो उसकी जिम्मेदार कौन रहेगा सर? हमको शासन क्या कोई देखभाल नहीं कर सकती क्या सर? आप लोग कितने दिनों से बिगड़ लाइट के रह रहे हैं? सर एक माह हो गए लगभग सर। आप लोगों की कोई समस्या सुनी नहीं गई? नहीं सुनी गई सर। इसके बारे में शिकायत दर्ज है सर, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज है सर। उसके बाद सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई नहीं हो रही सर। क्या नाम आपका? मंगला। आप सभी की समस्याएं हैं? सभी ग्राम पंचायत कहाँ से लड़का से और अभी हमारा गांव पे इतना कमरा कीड़ा भरा सब उस तो और बहुत खाना पीना में भी गिर जाते हैं, खाना नहीं खा सकते। क्या समस्या है इसमें? क्या है, 3 दिन लड़के अपने बच्चे हैं, 3 दिन खाते हैं और 8 दिन घर जाते हैं। मम्मी पापा उनका यार हमें रोटी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, खा पे उनको काम छोड़ कर अपन घर आते हैं, उन्हें खवा कर फिर निकालते हैं। क्या इस स्कूल में मध्याह्न भोजन नहीं बनता? अब जो समस्या अपन नहीं बता सकते, जो समस्या अपन नहीं बता सकते है कि नहीं, मतलब बच्चों को स्कूल में खाना नहीं दिया जा रहा, बच्चे घर में जाकर खा रहे हैं। हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं? उनको व्यवस्था अच्छा होगा स्कूल पे, जो राशन आ रहा है ना डेली मिलेगा है, तो वो भोजन दिया नहीं दो हम 3 दिन मिलता है और बाकी 8 दिन घर बच्चे खाते हैं, का मतलब निकलता टिफिन लेके इधर आते हैं और बाकी दिन फिर वो कहाँ है वो? आपका शुभ नाम क्या है? अनिल टेकाम। ग्राम खापा। ये जो समस्या हो रहा पानी, ये जो समस्या हो रही है, कौन सी स्कूल हो रही है? जो कौन सा स्कूल है? यहीं पढ़ते हैं आप? कौन सी क्लास पढ़ते हैं? यहाँ पर जो आपको खाना मिलता है डेली? हाँ। नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है, तो फिर नहीं मिलता खाना तो क्या करते हैं? घर जाना पड़ता है। घर छुट्टी मिलती है घर जाने की? ठीक। क्या नाम है? कहाँ से हो? खापा से। अभी कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम? खापा का। क्या आप लोगों को डेली खाना मिलता है? कभी कभी मिलता है। कभी कभी मिलता है, और जिस दिन नहीं मिलता फिर क्या करते हो? घर जाना पड़ता है। यहाँ देख बताइए, डेली मिलता है? कभी-कभी। कभी-कभी मिलता है, डेली नहीं मिलता। जिस दिन नहीं मिलता है तो घर जाना पड़ता है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? शुभमती। धन्यवाद। क्या नाम आपका? कौन है अभी, कौन सा स्कूल? पापा। और कौन है? धान पाटा। यहाँ पर ग्रामवासियों द्वारा और बच्चों द्वारा बताया जा रहा है कि उनको भोजन नहीं मिल पाता है, क्या बताएँ इसमें? इसका वजह है सर, समय पे चावल नहीं मिल पाता है। समय पे आपको राशन नहीं मिल पाता है? राशन नहीं मिलता है, 2 महीना का 2 महीना कब चावल खुलते हैं, सोसाइटी कब खुलती है, इसका भी नियम कोई समय नहीं है, कुछ नहीं है। उसको फ़ोन लगा सेल्समैन को, कई बार तो उसका मोबाइल बंद रहता है, तो समय के चावल न मिलने के कारण कभी भोजन बनता है, कभी नहीं बनता है, कभी समूह वाले। आपने इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारी को दी? हाँ, अधिकारी तक जानकारी। क्या लिखित दी है या फिर मौके दी? लिखित दी है। लिखित दी है। किस अधिकारी को दी? जी आर सी का दी है। क्या आश्वासन मिला आप यहाँ से?
अब कागज पहुँचे देंगे फिर आप देख लेंगे। आपके स्कूल में जो राशन आता है किस सोसाइटी से आता है? कौन है वहाँ का सेल्समैन? सेल्समैन वहाँ कृष्ण कुमार। क्या आपको जानकारी है थी कि आपके स्कूल का राशन आया या नहीं आया? आप जानकारी देती है पीडीएफ डरती है क्या गलती है? जब आपका राशन आता फिर क्यों नहीं मिलता? देती नहीं है कौन सेल्समैन नहीं देता स्कूल के बच्चों का राशन? कृष्ण कुमार उइके। आप क्या चाहते हैं? आपके बच्चों का जो भविष्य है खतरे में अंधकार में जा रहा है, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को घर जाना पड़ रहा है मजबूरी में, ऐसे में अगर सड़क में कोई दुर्घटना हो जाती है उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रधान पाठक। आप बताइए क्या कहेंगे? अब हम यही कहते हैं कि इसकी स्थिति ये बन जाए कि हर माह खाद्यान्न मिल जाए तो हर माह हर दिन बच्चों को खाना मिल सकता है। जब खाद्यान्न हर माह मिलेगा नहीं शासन, क्या कुछ माह मिला था खाद्यान्न? नहीं मिला। आपके स्कूल में बच्चों को विधि पूर्वक भोजन नहीं मिल रहा है, तो इस संबंध में शासन प्रशासन को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि हर माह विधिवत सोसाइटी खाद्यान्न मिलने लगे तो हर दिन बच्चों को भोजन पर्याप्त मिलेगा। जब भोजन ही नहीं मिले, वो खाद्यान्न ही नहीं मिलेगा तो भोजन कहाँ से बनेगा? समस्या यही है कुल मिला के। तो राशन खाद्यान्न हर माह विधिवत मिलेगा तो राशन जब बच्चों तक पहुँचेगा तो हर दिन बच्चे मध्याह्न भोजन कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? राधेश्याम। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला खापा।